बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पांचवा लेसन द पीस ऑफ स्ट्रिंग पढ़ेंगे, जो गाय डी मॉपसा का लिखा है। गाय डी मॉपसा एक फ्रेंच राइटर थे, ये उनका लिखा हुआ अफसाना है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आज हम इसका तर्जुमा देखेंगे। एट द एंड ऑफ मार्केट डे द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स, डंप कार्ट्स, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील। व्हीकल से मुराद है गाड़ियाँ, कार्ट्स कहते हैं छकड़ों को, गिग्स कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, जिसके आगे एक घोड़ा लगा होता है। डंप कार्ट्स होती हैं जो सामान ढेर करने वाला चकड़ा होता है, जिसके पिछला जो ट्रॉली सी होती है उसको चीज़ें उंडेलने के लिए या ढेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर या मंडी के दिन के इख्तिताम पर या ख़रीदो फरोख्त के दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स, डंप कार्ट्स, अमीर लोग हर तरह की गाड़ियों, छकड़ों, घोड़ा गाड़ियों, वैगनों और सामान ढेर करने वाली छकड़ों के साथ गैदर्ड जमा हुए थे एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील। बड़े कुशादा हाल में एक आला खाने के लिए या उम्दा खाने के लिए, यानी कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग छकड़ों, घोड़ा गाड़ियों, वैगनों और सामान ढेर करने वाले छकड़ों के जैसे तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ बड़े कुशादा हाल में उम्दा खाने के लिए जमा हुए थे। There were chickens, pigeons, and legs of mutton in the roast, and an appetizing odor of roast beef. Appetizing से मुराद है इश्तहा अंगेज, भूख लगाने वाली खुशबू। Odor आपको पता है खुशबू को कहते हैं, roast भुने हुए गोश्त को कहते हैं। There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast. भुने हुए गोश्त में मुर्गियाँ थीं, कबूतर और बकरे की रानें थीं। And an appetizing odor of roast beef. और भुने हुए गाय के गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू थी। Leaf and gravy dripping over the browned skin, which increased the appetite and made everybody's mouth water. Leaf का मतलब है सलाद और ग्रेवी कहते हैं मसालेदार शोरबे को। ब्राउन्ड स्किन से मुराद है भुना हुआ गोश्त। सलाद और मसालेदार शोरबा बह रहा था, ड्रिपिंग। मैंने इसका मीनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। ओवर द ब्राउन्ड स्किन, भुने हुए गोश्त से बह रहा था, यानी सलाद और भुने हुए गोश्त से बहते हुए मसालेदार शोरबे ने, विच इंक्रीज द एपिटाइट, जिसने भूख बढ़ा दी थी, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और इसने हर किसी के मुंह में पानी भर दिया था। Everyone told his affairs, his purchases and sales. Affairs से मुराद है मामलात, कारोबारी मामलात हो सकते हैं, जाती मामलात हो सकते हैं। Everyone told his affairs. हर कोई अपने मामलात या कारोबारी मामलात की बात कर रहा था।
ऑफिस परचेजेस एंड सेल्स अपनी ख़रीदारी और फ़रोख्त के मुतालिक, यानी हर कोई अपनी ख़रीदारी और फ़रोख्त के मुतालिक अपने कारोबारी मामलात बता रहा था या काम कारोबारी मामलात की बात कर रहा था। द डाइनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वॉज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर व्हीट। डाइनर्स खाना खाने वाले डिस्कस्ड बहस कर रहे थे द क्रॉप्स फसलों पर एंड द वेदर और मौसम पर, यानी खाना खाने वाले फसलों और मौसम के मुतालिक बात कर रहे थे। विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्ज पत्तों वाली फसलों के लिए मुवाफिक था, बट नॉट फॉर व्हीट, लेकिन गंदम के लिए मुवाफिक नहीं था। फेवरेबल से मुराद है मुवाफिक। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट्स एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स। ड्रम बीट का मतलब है ढोल की थाप। पहले ज़माने में जब एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना होती थी, ऐलान करना होता था, तो एक ढोल वाले की खिदमत हासिल की जाती थी। वो ढोल वाला जिस जगह पे ऐलान किया जाना होता था वहाँ पे जाके ढोल बजाकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता था, और उसके बाद वो जो भी सरकारी ऐलान होता था या कोई और ऐलान होता था वो करता था, और इस तरह से वो लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता था। अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, सहन में अचानक ढोल की थाप पर एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, हर कोई अपनी निशिस्त से उठ खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सिवाय उन चंद के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी तक खाना मौजूद था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। सीज्ड का मतलब है रुकना, खत्म होना, बंद हो जाना। कॉल आउट से मुराद है मनादी करना या ऐलान करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मनादी कैसे की जाती थी। अटेंटिव का मतलब है मतवज्जे होना, और इम्पेशेंटली का मतलब है बेसब्री से। प्रनाउंसमेंट का मतलब है ऐलान। पब्लिक अनाउंसमेंट से मुराद है अवामी ऐलान। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल की थाप खत्म हो चुकी या ढोल की आवाज़ बंद हुई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, ढोल बजाने वाले ने मनादी की, टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग, उन लोगों के लिए जो अब मुतवज्जो थे और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो अवामी ऐलान करे। It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all the persons in the market that a black leather pocketbook containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. It is hereby made known to the inhabitants of this place. इस जगह के मकीनों, inhabitants से मुराद है रहने वाले, रहायशी या मकीन। इस जगह के मकीनों या रहायशियों, और अमूमी तौर पर general या बिल अमूम, to all persons in the market, बिल अमूम मंडी में मौजूद तमाम अफराद, मेड नोन को आगाह किया जाता है दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक काले रंग के चमड़े वाला बटवा, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स,
जिसमें 500 शिलिंग थे, या जिसमें 500 शिलिंग मौजूद थे, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात थे, वाज लॉस्ट, गुम हो गई है, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस और टू मिस्टर जेम्स, द केयर टेकर ऑफ द दिस पब्लिक हॉल। देर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स। इस बटवे के पाने वाले के, फाइंडर से मुराद है पाने वाले, से दरख्वास्त की जाती है। इस बटवे के पाने वाले या तलाश करने वाले के, तलाश करने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो इसे मेयर के दफ्तर या मिस्टर जेम्स, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो इस अवामी हॉल का निगरान है, तक पहुंचा दे। केयर टेकर से मुराद है निगरान, यानी तलाश कर, इस बटवे के तलाश करने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो इसे मेयर के दफ्तर या मिस्टर जेम्स, जो कि इस अवामी हाल का निगरान है, तक पहुंचा दे। देर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स। रिवार्ड से मुराद है इनाम। इसका 20 शिलिंग इनाम होगा, यानी जो भी इसको तलाश करेगा और वापस करेगा, उसको 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। अब ये शिलिंग जो है, ये करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर पैसा है, रुपया है, तो ये फ्रांस की करेंसी का नाम है। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। कंक्लूडेड से मुराद है ख़त्म होना, इख्तिताम पज़ीर होना। अपीयर्ड का मतलब है मंजर पर आना या नमूदार होना। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना ख़त्म हो गया, यानी खाना ख़त्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का चीफ मंजर पर नमूदार हुआ या मंजर पर आया, या इसको आप ये भी कह सकते हैं जाए वकूआ पर आया। ही इंक्वायर्ड, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, उसने पूछा। इंक्वायर्ड, इसका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं अंडरलाइन किया। उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या यहाँ मिस्टर ह्यूबर्ट है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, हेयर आई एम। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि मेज़ के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ था, उसने जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। यानी मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि मेज़ के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ था, ने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस अफसर उसके पास गया और कहने लगा, मिस्टर ह्यूबर्ट, विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। अकम्पनी से मुराद है साथ आना, हमरा चलना। मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेहरबानी फरमा कर मेरे साथ मेयर के दफ्तर चलेंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉलोड द पुलिस पुलिस ऑफिसर। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान, यानी हैरान और परेशान मिस्टर ह्यूबर्ट पुलिस अफसर के पीछे पीछे चल दिया। द मेयर, अ स्टाउट सीरियस मैन, वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। स्टाउट से मुराद है मोटा, ताज़ा, हट्टा कट्टा, और सीरियस का मतलब है संजीदा नज़र आने वाला। मेयर, जो कि एक हट्टा कट्टा, संजीदा नज़र आने वाला शख्स था, वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड,
उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने कहा, आज सुबह आपको मिस्टर जेम्स की खोई हुई पॉकेट बुक या मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए देखा गया है। यू वर सीन, ये पैसिव वॉइस में है, इससे मुराद है आपको देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम। कंट्री मैन से मुराद है देहाती शख्स, और सस्पिशन शको शुबा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रेस्टिंग ऑन हिम, उस पर होने वाले, यानी मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लो कंट्रीमैन देहाती था, मेयर को हैरानगी से देखने लगा, एस्टाउंडेड, हैरानगी से देखने लगा, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, और अपने ऊपर होने वाले पहले से ही शको शुबा से, यानी मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लू देहाती था, हैरानगी से और अपने ऊपर होने वाले या अपने ऊपर किए जाने वाले शक से खौफ सदा मेयर को देखने लगा। वाई मी, मी क्यों, मैं यानी क्या आप मेरी बात कर रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उस पर यकीन, उस पर शक किया जा रहा है। तो उसने पूछा कि क्या आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, क्या मैं, मुझे देखा गया है वो बटवा उठाते हुए। मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मुझे देखा गया बटवा उठाते हुए। यस यू योर सेल्फ, आगे से मेयर ने क्या जवाब दिया, हाँ तुमने खुद उठाया, यानी तुमने खुद उठाया हुआ बटवा उठाते हुए देखा गया, तुम्हें खुद बटवा उठाते हुए देखा गया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट बट यू वर सीन। आगे से ह्यूबर्ट कहता है, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपने इज्जत की कसम, बाय माई वर्ड, इससे मुराद है कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके मुताबिक कभी सुना भी नहीं। बट यू वर सीन, मेयर का कहना है आगे से, लेकिन आपको देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, मुझे बटवे के साथ देखा गया है, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। मेयर आगे से उसको जवाब देता है कि मिस्टर मनाना ने, जो कि घोड़ों का सामान बनाने वाला शख्स है, हार्नेस मैन से मुराद है घोड़ा गाड़ी का सामान बनाने वाला, यानी घोड़ा गाड़ी का सामान बनाने वाले मिस्टर मनाना ने तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। फ्लश्ड से मुराद है सुर्ख होना। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसे कुछ याद आया, वो समझ गया और गुस्से से सुर्ख हो गया, यानी उसको कुछ याद आया तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो उस गुस्से से सुर्ख हो गया, लाल पीला हो गया। ओ हिम, यस, ओ वो, हाँ, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये डोरी उठाते हुए देखा था। स्ट्रिंग से मुराद है डोरी, रस्सी का टुकड़ा। एंड एज ही सेड सो, और जो ही उसने ये कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट। ड्रू आउट से मुराद है निकालना, लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का या डोरी का छोटा सा टुकड़ा, फ्रॉम हिज पॉकेट, जे अपनी जेब से। जो ही उसने ये कहा, उसने अपनी जेब से डोरी का या रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। अब इस रस्सी या डोरी के छोटे से टुकड़े के उठाने का क्या मतलब है। बास लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर पड़ी हुई चीज़ को समझते हैं कि ये कुछ काम आ जाएगी, तो वो जो हल्की फुल्की चीज़ होती है कोई ज़मीन पर पड़ी हुई,
तो उसको यूं ही उठा लेते हैं कि ये किसी काम में मिलाई जा सकेगी। तो ये एक सादा लूह देहाती है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया। बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, शुक हिज हेड से मुराद है नफ़ी में सर हिलाना। लेकिन मेयर ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, मिस्टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक। वर्दी से मुराद है काबिल, और क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा, यकीन। यानी इन दोनों अल्फाज का मतलब होगा काबिले भरोसा या काबिले यकीन। कॉर्ड भी रस्सी को कहते हैं। यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे। मेक मी बिलीव, मुझे यकीन नहीं दिला पाओगे। दैट मिस्टर मनाना, के मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्थी क्रेडेंस, जो कि एक काबिले भरोसा शख्स है, मिस्टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, गलती से इस रस्सी के टुकड़े को बटवा समझ बैठा। यानी तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना, जो कि एक काबिले भरोसा शख्स है, वो इस रस्सी के टुकड़े को गलती से बटवा समझ बैठा। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, एंड सेड इन द मोस्ट एक्सास्परेटिंग टोन। फ्यूरियसली से मुराद है गुस्से से, और स्पैट का मतलब होता है थूकना, स्पिट, स्पैट, स्पैट। और अटेस्ट का मतलब है तस्दीक करना। ऑनर इज्जत को कहते हैं, वकार को कहते हैं। एस एक्सास्पिरेटिंग का मतलब है गुस्सीले, और टोन आपको बताया लहजे को कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, यानी मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादालू देहाती था। पेजेंट का मतलब देहाती है, कंट्री मैन के जो सिनोनिम्स हैं उनमें इसका जिक्र हो चुका है, इसलिए इसका मीनिंग मैंने ज़रूरी नहीं समझा यहाँ पे लिखूँ, वो आप उसमें देख लेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादालू देहाती था, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया, स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट, और तस्दीक करने के लिए एक तरफ थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपने वकार की तस्दीक करने के लिए एक तरफ थूका, एंड सेड इन द मोस्ट एक्सेस्परेटिंग टोन, और बड़े गुस्सीले लहजे में कहने लगा, इट इज नेवरदिलेस द ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सेक्रेट ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन। सेक्रेट से मुराद है पाक मुकद्दस, और सेल्वेशन कहते हैं निजात, इसका मतलब आखरत में निजात से मुतालिक है। इट इज नेवरदिलेस, इसके बावजूद ये सच है, ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ये खुदा का सच है, द सेक्रेट ट्रूथ, एक मुकद्दस सच। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम दोहराते हुए ये कहता हूँ। अब ये स्पिट का मतलब क्या है, हाथ पर थूकने से मुराद ये है कि मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ तरह की रिवायात होती हैं, कस्टम्स होती हैं। जिस तरह से गांव में पिछले अदवार में ऐसा होता था कि लोग अपनी पगड़ी जो है वो पगड़ी को एक वकार का सिंबल समझा जाता था, वकार की अलामत समझा जाता था, इज्जत की अलामत समझा जाता था। तो बहुत सारे लोग जब आपस में जो कुछ लोग लड़ते थे, तो उनमें जो सुलह होती थी, उसका एक तरीका ये भी था कि अपनी पगड़ी वो एक दूसरे के साथ जो है वो तब्दील कर लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि उन दोनों की इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनका वक़ार सांझा है, और वो उस लड़ाई से बाहर आ जाते थे और सुलह कर लेते थे। और इस तरह से और भी
बहुत सारी इकसाम हैं कि किसी की कसम उठानी हो तो उसके सर पे हाथ रख के कसम उठा लेते हैं। तो ये बरेसगीर में आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा। तो ये क्योंकि फ्रांस का जिक्र है, फ्रांस का कल्चर हमसे अलग है, हर हर मुल्क का, हर इलाके का कल्चर जो है वो मुख्तलिफ होता है, लिहाजा वहाँ पर ये कल्चर है कि एक तरफ थूक कर तस्दीक की जाए जब कसम उठाई जाए किसी चीज़ के मुताल्लिक। तो ये इसलिए यहाँ पर स्पिट का या स्पैट जो उसकी दूसरी फॉर्म है उसका जिक्र किया गया है। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चीज, उस चीज़ को उठाने के बाद यू स्टूड देयर, आप वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, कीचड़ में काफ़ी देर तक देखते हुए। लॉन्ग वाइल काफ़ी देर तक, टू सी ये देखने के लिए, इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट कि आया कोई रकम बाहर तो नहीं गिर गई, यानी जब आपने पर्स उठाया तो आप काफ़ी देर तक कीचड़ में घूरते रहे, देखते रहे कि कहीं इस बटुआ जो मैंने उठाया इसमें से कुछ रकम बाहर तो नहीं गिर गई।